नमस्कार दोस्तों, वेलकम फॉर दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुशांत सिंह मामले में सीबीआई इंक्वायरी चल ही रही है और उसमें कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था और अब 8वें उनके जो घर पर रहते थे दीपेश सावंत, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज रिया चक्रवर्ती से फिर सीबीआई इंक्वायरी के लिए उनको बुलवाया जाएगा, उनके पास समन भेजा जाएगा और फिर आज उनसे कुछ ड्रग्स के मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इसमें ड्रग्स का खुलासा बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अब वह उनका केस तो चल ही रहा है और ड्रग्स पर भी मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अब एनसीबी के मुताबिक रिया को बचना नामुमकिन हो रहा है और आज ड्रग्स के बारे में ही उनसे पूछताछ के लिए संभव बातचीत की जाएगी। दोस्तों, आप आगे देखिए, क्या आज रिया को गिरफ्तार किया जा सकता है या सिर्फ उनके सवालों का जवाब पाकर उन्हें छोड़ा जा सकता है। एनसीबी के डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ने आज कहा है कि आज लगभग कुछ रिया से ऐसे सवालों का जवाब मांगा जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स से और सुशांत से ही लगभग संबंधित है। जैसा कि सुशांत का ड्रग्स का सेवन कब करते थे, उनको कब पता चला, कौन है जो दिन में 4 सिगरेट पीता है, किसने बारे में आपने चैट मैसेज में बताया, कि आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं, या भी पूछताछ हो सकती है, पैसों का भुगतान कौन करता था, ये कैसे किया जाता था, या भी पूछा जाएगा चैट में आप किसके लिए बड की डिमांड कर रही हैं, और जो व्हाट्सएप में चैट सामने आई है कि क्या आपने खुद की है और किसी ने की है, अगर हाँ है तो किस के साथ ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी आपने अपने मैसेज में, आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, यह सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और क्या आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त भी कर रही थी। और उनके जो वकील हैं सतीश माने सिंधे, वह उनका कहना यह है कि बहन प्रियंका की सलाह पर सुशांत दवा लेते थे और उसमें रिया और उनके भाई सोविक का उससे लगभग कोई लेना देना नहीं है और वह कभी ड्रग्स नहीं लिया करते थे, या वह उन्होंने अपनी सफाई दी है। तो दोस्तों, अब यह केस बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है और इस पर सीबीआई इंक्वायरी दिन पर दिन और कड़ी होती जा रही है और इसमें ड्रग्स का भी खुलासा बहुत ज़्यादा होने वाला है और बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसमें ड्रग्स के मामले में फंसने वाली हैं, क्योंकि ड्रग्स का भी एक अलग इंक्वायरी हो रही है।